अब हम जिक्र करेंगे निर्मला सीतारमण का, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया संसद में कि फर्जी कंपनियों का जिक्र किया। उनका कहना है कि भारत में अभी तक 6,83,317 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये जानकारी लोकसभा में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत रजिस्टर्ड 18,94,146 कंपनियों में से 36.7% कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं। बंद हो चुकी 6,83,317 कंपनियों में सबसे ज़्यादा करीब 1,82,000 कंपनियाँ महाराष्ट्र में थीं, वहीं दिल्ली में 1,25,000 कंपनियाँ थीं और पश्चिम बंगाल में 67,000 कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने ऐसी रजिस्टर्ड कंपनियों की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू की है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सालाना रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनीज एक्ट के तहत फर्जी कंपनी टर्म को परिभाषित ही नहीं किया गया है, डिफाइन ही नहीं किया गया है। मेरे साथ हैं हरवीर सिंह, आप सीनियर बिजनेस एडिटर हैं, आउटलुक के संपादक भी हैं। बहुत स्वागत है आपका हरवीर। मेरा सवाल आपसे ये है कि शेल कंपनी और फर्जी कंपनी में क्या फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात, जब निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि फर्जी कंपनी की डेफिनेशन ही नहीं है, तो उस पर एक्शन कैसे लिया जा सकता है? हाँ देखिए, ये हम दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से शुरू करें। फर्जी कंपनी जैसा तो कुछ नहीं होता। अच्छा, इसीलिए उसकी डेफिनेशन भी नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई कंपनी इस्टेब्लिश करता है कंपनीज एक्ट में, वो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी शर्तें हैं, उनको पूरी करता है और वो एक कंपनी इस्टेब्लिश होती है। उसको वहाँ से उसका उनके डायरेक्टर्स को डिन नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का पैन, वो सब चीज़ें मिलता है। उसके बाद वो अपनी गतिविधियाँ कंपनी में शुरू कर दें, तो इसलिए ये फर्जी तो नहीं हो सकता। हाँ, शेल कंपनी की जब बात आती है, शेल कंपनी का ये है कि तमाम सारे लोग इस तरह की कंपनियाँ बनाते हैं जो कि मकसद कुछ और होता है, उसका जो आप ऑब्जेक्टिव बताते हैं कंपनी इस्टेब्लिश करते वक्त, लेकिन कंपनी काम कोई दूसरा करती है। दूसरा, इस संदर्भ में कि तमाम सारे बड़े कॉरपोरेट्स में भी ये है, या कुछ लोग ऐसी कंपनियां बनाते हैं जो कि सर्कुलर उसमें टर्नओवर दिखाते हैं, पैसा कहीं से आता है, किसी दूसरे मकसद से जाता कहीं है। जैसे कि अभी, हालांकि हमारे पॉलिटिशियन इस बात को नहीं बोलेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि ये जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनकी अगर आपको डिटेल मिले और आप ढूंढने जाएं कि ये किस तरीके से 5,500 करोड़ के बिके, और वेस्ट बंगाल में करीब 1,300 करोड़ के बिके, या उस तरीके के जो नंबर है, दिल्ली से ज़्यादा वेस्ट बंगाल में बिके कलकत्ता में, तो ये वहाँ पर ये शेल कंपनीज या फिर राउंड ट्रिपिंग का जो पैसा है वो उसके थ्रू आप लाते हैं, और जबकि या अपनी कंपनी से जो इस्टेब्लिश कॉरपोरेट्स हैं वो बड़े पैमाने पर ऐसी कंपनियों के जरिए पैसा शिफॉन ऑफ करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है। तो ये शेल कंपनी, मतलब आपने कहा किस और मकसद से, लेकिन उसकी गतिविधियां इस तरह होती है कि जो कि दूसरा ऑब्जेक्टिव आप जो रूल को उसको डिफाई करते हुए उसका मिसयूज करते हैं। तो ये जो कंपनियां बंद हुई हैं 6,83,000, ये फर्जी कंपनियां नहीं थी, इनमें से काफ़ी सारी शेल कंपनियां थी। देखिए, शेल कंपनी में तो आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और उनके अकाउंट्स प्लस जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो या ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये लोग जाकर के इन्वेस्टिगेशन करें और उसमें इस्टेब्लिश कर देंगे शेल कंपनी है, उसको बंद करेंगे। लेकिन जब कंपनियों के बंद होने की जो रफ्तार है, जैसे आपने खबर के शुरू में ही बताया कि जिन कंपनियों ने एक निश्चित समयावधि तक अपने रिटर्न फाइल नहीं किए, उनको निष्क्रिय कंपनी मैं कहूँगा। और इसमें बहुत सारी जेन्युइनली ऐसी कंपनियाँ थी जिनको कोई काम धंधा ही नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने एक, और इसमें ज़्यादातर कंपनियाँ सर्विस सेक्टर की थी जो है, जो नोटबंदी की वजह से भी बंद, नोटबंदी है प्लस इकोनॉमी का स्लो डाउन है, तो जिस उद्देश्य से किसी एक टू बी एंटरप्रेन्योर ने एक कंपनी शुरू करने की कोशिश की, तो उसके बाद अच्छा कुछ इसमें यह भी है कि बहुत सारे लोग कुछ कंपनियाँ रजिस्टर करा के रख लेते हैं कि एक निश्चित अवधि तक वो कंपनी को चलाएंगे और किसी को ज़रूरत होती है, इस तरीके के मसले आए हैं जो है, एक बड़ी कंपनी ने इस तरीके का किया, तो वो उस कंपनी को उनसे इक्विटी, थोड़ा नाम मात्र की इक्विटी लेकर के ले लेते हैं, तो अब उसमें कुछ होता नहीं कहा। लेकिन अब जब ये हो गया कि आपको उसका प्रॉपर ऑडिटिंग कराना है,
रिटर्न फाइल करना है तो तमाम सारे लोगों ने नहीं किया और ऑटोमेटिकली इन्होंने उसको राइट वहाँ से वो कर दिया, क्लीन कर दिया। जो हमारा नया जो ये क्योंकि अब सारा ऑनलाइन है MCA 21 जो है उससे क्या हुआ कि सारा आपको ऑनलाइन पता लग जाता है और आप उनको वहीं से हटा देते, आप बताने की भी जरूरत नहीं समझते, तो आपने उसको कंपनी को वहीं से बंद कर दिया। जी मैं आप पर दोबारा वापस आता हूँ। साल 2017 में भी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि सरकार ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से 2,26,000 कंपनियों को हटा दिया था, जिसका जिक्र हरवीर कर रहे हैं। उस वक्त भी सबसे ज़्यादा 59,849 कंपनियाँ महाराष्ट्र में बंद हुई थी, दिल्ली में 43,925 कंपनियाँ और तमिलनाडु में 24,723 कंपनियाँ बंद हुई थी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे विवाद में जो MSME होती है वो कहाँ आती है? देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो कहाँ पर आती है? इसमें देखिए एक तो जो लोग बहुत ही छोटे स्तर पर माइक्रो लेवल पर कंपनी शुरू करते हैं कुछ पार्टनर मिलकर या छोटी इक्विटी के साथ में शुरू करते हैं वो कंपनीज होती हैं, और ज़्यादातर फिर माइक्रो के बाद हमारा जो डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट के आधार पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का, मीडियम तो बहुत कम कंपनियां इसमें आपको मिलेंगी उस तरीके की बंद होने में, लेकिन ये आपको माइक्रो और स्मॉल में मिल जाएंगी उस तरह की कंपनियां। इसमें एक और पहलू है कि ये जो हम पहले शेल कंपनीज का जिक्र कर रहे थे वो आप लोग लगातार कई बार जब इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि ड्राइवर के नाम के पास नाम पर भी कंपनी है, एक क्लर्क के नाम पर भी कंपनी है, धोबी के नाम पर भी कंपनी, ये जो कंपनियाँ इस तरह बनती हैं और उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे पॉलिटिशियन का होता है। एक कुछ साल पहले का आप याद करो, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के इस तरीके की चीज़ें सामने आई, आई डोंट नो वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाके रुका और उसमें क्या हुआ अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन उस वक्त बहुत जोर शोर से बातें हुई थी। तो ये इस तरह की कंपनी है, और मुंबई में आप देखेंगे कि वो बैटरी वाली गाड़ियां बनाते थे और एक एड्रेस पे आपको 50-50 कंपनियां एक एड्रेस पे उस तरीके से रजिस्टर्ड मिली, तो कुछ लोग उस तरीके का काम करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ये जरूर हो गया कि जब से ये ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा हो गया और आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते तो इस तरह की कंपनियों को छिपाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हालांकि बजट सिर्फ एक साल के लिए होता है, एक साल के लिए होता है ये डॉक्यूमेंट बजट का, फिर भी आने वाले सालों की दिशा का संकेत दे देता है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में ध्यान छोटे और मझोले उद्योगों की तरफ होगा या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की तरफ होगा जो यहाँ वैसे भी निवेश नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये देखिए आपने सही कहा कि बजट जो है भले ही हम स्टेट ऑफ अकाउंट जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें, लेकिन उसमें एक दिशा होती है, एक संकेत होता है कि इकोनॉमी को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। और ये जो 5 जुलाई का बजट है, क्योंकि नई सरकार जो आई है उसका पहला पूर्ण बजट है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य और वो सब चीज़ें किए हैं, तो ये बजट डायरेक्शन देना चाहिए उसको। मैं ये नहीं कहूँगा हो सकता जरूरी ना दें और हड़बड़ी में आप तैयार करें उसको, लेकिन ये ज़रूर दिखना चाहिए कि ये नई सरकार के 5 साल में इकोनॉमी को कहाँ ले जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है जॉब्स वाला जो चैलेंज है, एक नई चीज़ आई है कि जैसे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि हाँ मैं स्वदेशी जागरण मंच का मेंबर हूँ, तो वो एक संकेत है कि जो एक जो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडिशनल जो वोट बैंक है, जो उनका आधार है कारोबार, छोटे कारोबारी और व्यापारी और छोटी कंपनियाँ, उस तरफ जरूर इनका ध्यान होगा। क्योंकि एक फैक्ट भी है कि रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे और इवन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी है वो 50% से ज़्यादा छोटे इनकी कंपनियों के, तो उसमें जरूर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ संकेत मिलेगा कि उनकी बढ़ोतरी के लिए काम इस बजट में हमें दिखे।